पहले कौन आ रहा है? तो सर सबसे पहले एक क्रू आ रहा है मेरी टीम से, बी यूनिक फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। हमारे ग्रुप का नाम बी यूनिक क्रू इसलिए रखा है क्योंकि हम लोगों का चारों का जोन अलग अलग है। मैं पॉपिंग एनिमेशन करता हूँ, राज जोशी हिप हॉप करता है, राहुल आचार्य वो टटिंग एनिमेशन करता है, रजत सोनी बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, तो वो चारों को मिक्स करते हैं तो बी यूनिक स्टाइल वो बनती है। हमें मतलब शुरुआत से एंड तक फुल जामे जामे थे, आप लोग ने बहुत अलग किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी, प्ले ट्रैक प्लीज। नाम आप लोगों ने रखा है बी यूनिक, ट्रू टू योर नेम। थैंक यू सो मच मैम। यू रियली आर यूनिक। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग हर हफ्ते जब कंपटीशन शुरू होता है तो आर्टिस्ट को बोलते हैं या कैप्टन को बोलते हैं कि यार बेटर करके दिखाओ। आपने ऑडिशन में, लास्ट ऑडिशन से ये वाला ऑडिशन ना एक लेवल अप था। थैंक यू सो मच सर। Amazing choreography, जो illusion था outstanding, timing, perfection of your hands, correct आना, मतलब outstanding. Thank you so much sir, thank you. Remo, honestly, I hope कि मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं गट इंस्टिंक्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मेरा गट इंस्टिंक्ट कह रहा है अभी अंदर से उछल उछल के कि ये टॉप 12 के कैपेबिलिटी तो रखते हैं, तो टॉप 12 कंटेंडर। थैंक यू सो मच। आपका रिजल्ट बाकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मिलेगा। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।
मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये गाना इनको दे देना चाहिए था। सारे लोगों को लगता है कि नंबर 13 बहुत अनलकी रहता है, बट वो उन लोगों का बिलीफ है। और हम लोग गैंग 13 अभी हम लोग डांस प्लस में आए और हम लोग दिखा देंगे कि 13 नंबर अनलकी नहीं है, वो लकी है। हम लोग उनका बिलीफ चेंज करने आए। रेडी साउंड। क्या था सर ये? यार एक्चुअली मैं शौक में थी, ये करना बनता है। थैंक यू सो मच मैम। उफ क्या यार, दिस होल क्या स्वैग है यार तुम लोगों में। बहुत ही आसानी से बहुत सिंपल मूवमेंट्स को ऐसे तुम लोग सिंक्रोनाइजेशन और पावर के साथ करते हो ना कि लगता है जैसे कुछ बड़ा कर दिया है। कमाल, व्हाट स्टाइल, वेरी यूनिक कोरियोग्राफी, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पूरा जो लुक था आपका। इसीलिए ऊपर वाले का हाथ है तुम लोगों के ऊपर। yes, इस एनर्जी के साथ तुम लोग डांस करते हो, क्या बात है यार। लिसन आई लव यू गाइस, यार तुम लोग कितने अच्छे हो। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि 13 पहले मेरी टीम में थे और इस बार आप धर्मेश की टीम में चले गए, बट जेन्युइनली आई एम अ फैन। मैं वेट करती हूँ, जैसे ही इसने अनाउंस किया ना, आई वॉज लाइक ईगर फैन की तरह वेट कर रही थी कि इस बार क्या करोगे। यू गाइस आर सम अदर लेवल and truly you guys deserve this. Thank you so much. सारे परफॉर्मेंस होते हैं उसके बाद रिजल्ट की बात होती है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस में मुझे सारे परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं। समीर,
मैं जानता था तुम जरूर आओगी बिकॉज माई बाबा इज मोर पावरफुल देन योर बाबा और मेरे बाबा ने कहा था कि नंदिनी इटली जरूर आएगी और नंदिनी इटली आ गई. आओ यू आर हियर यू आर हियर यू आर हियर यू आर हियर. आई मिस यू सो मच सो मच सो मच सो मच. आई लव यू. यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है वहां जाएंगे. वी गेट मैरिड एंड वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. क्या हुआ मेरी आंखों में देखो नंदिनी. ओह माय गॉड जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था आज वो प्यार नहीं है. तुम बदल गई हो. हाँ, मैं बदल गई हूँ. हालात भी बदल गए हैं. तुमने मुझे प्यार करना सिखाया सभी मगर प्यार निभाना मैंने अपने पति से सीखा है. हो सके तो मुझे माफ कर दो. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए. हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. जो 7 मिनट तुमने मेरे साथ बिताए वो मेरे लिए 7 जन्मों के लिए काफी लेकिन उससे ज्यादा नहीं क्योंकि 8वें जन्म है तुम मेरी होगी सिर्फ मेरी. अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे दे के मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया और उस पे दिया फितरत वो करता है मोहब्बत बाहरे बा तेरी कुदरत. सिसक के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए. अब आप मेरी बात सुनो. बचपन से लेके आज तक मैं आपसे बात करते आया हूं सब लोगों ने मुझसे कहा कि समीर तेरे बाबा मर गए लेकिन मैंने आपको जिंदा रखा यहां पे. लेकिन मेरा बेखाक बनता है आज इनकार मत करना. मैं आपसे एक चीज मांगता हूं एक बार मुझे गले लगा लो बाबा प्लीज. भाई खतरनाक यार तुम्हारी फील सही में यार. कैप्टन शक्ति का चैलेंज था उनसे जानना चाहेंगे कि कितना अच्छा लगा. फील क्रू. यस मैम. ट्रू टू योर नेम ये 90s के सुपरस्टार आपको यू हैड टू पिक अप और आपका फील मेंटेन करना था उसमें. आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था ये एक्ट. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. अनिकेत माय गॉड क्या मतलब परफॉर्म करते हो आप. यू बिकेम सलमान खान जो शुरू में स्माइल कर रहा है फिर आप लड़की भी बन गए फिर आप सारे ट्रिक्स भी कर रहे हो. आई थिंक इस ग्रुप के आप सुपरस्टार थे इस एक्ट में. एंड फील क्रू क्या स्टोरी टेलिंग करी है आपने. आपने शुरू से दिखाया देयर इज रोमांस फिर उसके बाद शादी हो गई फिर पेन फिर उनका फादर का कनेक्शन पूरी मूवी आपने इसमें दिखा दी. एंड ब्रिलियंट मतलब फॉर मी दिस वाज एपिक. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. करिश्मा मैम फील क्रू वाओ. मैंने काफी कुछ सुना था आप लोगों के बारे में. यू नो आपका जो पहला एक्ट था वायरल हो गया था तो मैंने भी देखा. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लाइव आप सबको देखने को मिला. थैंक यू. और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे दादाजी जो थे फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन थे मुझे लगता है कि डांस प्लस के आप शोमैन हो. फील क्रू
इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, अमेजिंग. कमिंग टू योर परफॉर्मेंस, आई थिंक जब से आप लोग यहाँ पे आए, इस मंच पे आए, तब से आप लोग ने पहले एक्ट से हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू किया, उसके बाद दूसरा एक्ट, उसके बाद सिंघम, हर एक्ट में एक यूनिक चीज लेके आते हो आप लोग, और इस बार आपने थोड़ा सा बीट्स यूज किए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, और वो गाना भी ऐसा है कि वो गाना मतलब आइकॉनिक गाना है, उसके बाद आप इतना अच्छा उसके पर परफॉर्म करेंगे तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. आप लोगों ने वही किया, एक क्लियर स्टोरी समझ में आई, मुझे अच्छा लगा किस तरीके से आपने वो शादी का हवन भी बनाया, आपने वो जो शीशा बनाया हार्ट शेप का उसको तोड़ा आप लोगों ने, बहुत मतलब कुछ कुछ मोमेंट्स तो बहुत ही कमाल थे यार. मतलब क्रिएटिव लेवल पे तो पुनीत, उसकी टीम और आप लोग मिलके पता नहीं क्या कर रहे हो. मतलब हर हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि आप यार इससे ऊपर क्या करेंगे, लेकिन आप आते हो उससे ऊपर करके जाते हो. यू गाइज आर आउटस्टैंडिंग एंड आई लव यू गाइज. कैप्टन शक्ति, आपका जो स्कोर है 5 में से कितना है इनके लिए? 8. क्या बात है. तो कैप्टन शक्ति और रेमो सर का स्कोर मिला के आपका टोटल होता है 15+. कृपया ध्यान दें, डांस प्लस जाने वाली तेज लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है. अरे अरे भाई साहब, ये तो मेरी सीट है, मैं पहले आया था. ये रुमाल पहले मैंने रखा ना. अरे मतलब एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? हाँ खाली है. थैंक यू. एक पल का जीना फिर तो है जान. चलती है कानों से पारा. मुड़ के देख मुझे दोबारा. Ha 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 ha!
टन 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 पारा चलती है कानों से पारा आठ लड़ाके तूने मारा घायल हो गया दिल बेचारा चलती है। उन्हें भाई कैसा लगा? बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड है आपका स्वैग, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे स्ट्रेच होके पूरा ऐसा ग्रूव किया, लाइट चेंज हुआ, आपका अपना स्वैग आया। ओवरऑल एक नाइस मिक्सचर ऑफ 90s अपने अंदाज में, मैम का गाना है जो आइकॉनिक है एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ये गाना जो है डंडा डंडा डंडा, आई थिंक इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग और 90s का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग, उस पर अपना स्टाइल डालना, मुझे ये पूरा एक्ट जिस तरीके से आप लोगों ने किया बहुत अच्छा लगा। फॉर मी दिस वॉज अ ग्रेट एक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैप्टन पुनीत, 5 में से आप कितना देंगे? रेमो सर, तो गैंग 13 आपको मिलते हैं पूरे 15+। वाह। अच्छा, एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, अ आ ई ई। रुको कार्तिक, सिर्फ तुम बोलो कार्तिक, ये कल याद कर कर आना, नहीं किया ना तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगी। दिखा कार्तिक, होमवर्क कर कर आए हो, चलो सुनाओ।
सबसे पहले मैं ये धर्मेश भाई से पूछूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट गाना है सर। सर ये गाने ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है सर। जब मैंने स्टेज पे किया देन उसके बाद डांस के लिए बहुत सारे लोग ने बोला सर जब भी ये गाना बजता है तो डांस करने का मन करता है सेम आपके जैसे वैसे वाला। सो मेरे लिए बहुत दिल के बहुत करीब है गाना एंड कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक चीज़ है वेटरिन्स आपका एनर्जी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कैसे छोटा कार थी जब वो पैर वाला सेक्शन करता है वहाँ से फिर वो जब अचानक आता है तुरंत इन दोनों के बीच में से निकलता है वो एक टाइमिंग बहुत परफेक्ट लगा मुझे। लेकिन जब भी प्रॉप यूज करते हो तो उसमें थोड़ा सा सिंक अपना हाथ का ध्यान रखना। जी सर। बाकी फुल ऑन एक्ट बहुत अच्छा एक्ट था। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। वेटरन्स यस मैं भी एग्री करता हूँ कि जब भी आपको प्रॉप मिलता है तो हैंडल करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है वही प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज यू गाइज वन ऑफ माई फेवरेट एंड यू गाइज डू ऑलवेज जब भी आते हो मुझे डांसिंग जो आप दिखाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड यू गाइज डिजर्व टू बी हियर। थैंक यू सो मच बिकॉज आई नो यू विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। रोहिला सर जो स्टार्ट किया वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट था और क्योंकि ये पियानो का ड्रेस आप लोग पहने हुए हो ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मुझे इट वाज अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच सर। गोविंदा सर आपके तो यहाँ पर सभी फैंस बैठे हैं पर इनके ग्रुप में एक लड़का है जो कि मतलब नेक्स्ट लेवल है तो सर आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमारे क्रू में सबसे बड़ा फैन गोविंदा सर का एलेक्स ही है। अरे तो गोविंदा सर का एक्टिंग फिर से शुरू हो गया? चालू हो गया ना वो तो मेरे अंदर भरे ला ना उनके हर एक नस नस में गोविंदा सर है। जब भी एलेक्स दादा रिहर्सल हॉल में अकेले रहते वो गोविंदा सर के डायलॉग को बोलने की कोशिश करते। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कूली नंबर वन। आई जब भी हम नॉर्मल रूटीन से आपकी कोरियोग्राफीज करते हैं कार्तिक सर हमें बोलते हैं कि कुछ स्टेप इंक्लूड करो या फिर कुछ हमें हेल्प करो तो एलेक्स सर स्टार्ट हो जाते गोविंदा सर के सारे स्टेप्स। गोरिया चुरा मेरा जिया गोरिया चुरा अबे देख क्या रहो करो ना गोरिया चुरा मेरा जिया गोरिया चुरा मेरा जिया। गोविंदा सर आई लव यू। एलेक्स बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस थी आपकी। थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जिंदगी में इतना पैसा कमाते हैं इतना शोहरत कमाते हैं पता नहीं क्या क्या उसके लिए कर देते हैं। क्या चीज़ के लिए करते हैं? ताकि वो हंसे मस्त रहे। हम तो हंसते रहते हैं मस्त ही रहा करते हैं तो ऊपर वाले ने हम पे तो कृपा ही की हुई है तो आप पे भी की हुई ऊपर वाले ने कृपा। यू आर लकी एलेक्स यू बीन वेरी लकी। थैंक यू सर। सर आपसे कुछ कहना चाहता सर बचपन से आपकी मूवीज देखते आ रहे हैं मतलब हमेशा से आपकी मूवीज देखते हैं हम लोग डांस जब भी करते हैं तो जब मैंने सीखा था मैंने सिर्फ डांस सीखा था सर लेकिन उसके अंदर मसाला कैसे डालने वो आपसे सीखा सर। जैसे कि आपके एक्सप्रेशन आपकी एक्टिंग सर मतलब आप हर एक चीज़ में परफेक्ट हो सर तो आप मेरे इंस्पिरेशन हो सर। जब भी मतलब कुछ ऐसा नहीं आता मैं सबसे पहले आपकी मूवीज और सॉन्ग्स देखता ताकि मैं वो एक्सप्रेशन मेरे अंदर लाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहो तो सर एक बार मेरे साथ थोड़ा सा मेरा दिल न तोड़ो
क्या बात है। सपना सच हो गया सर। क्या बात। लव यू सर। अरे तुम? हाँ। इतनी रात गए, डार्लिंग सब ठीक है ना? हमारे रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पे बनी है और आज मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई सुनना चाहती हूँ। क्या ये सच है कि तुम गलत काम करते हो? क्या ये सच है कि तुम एक खूनी हो? देखो मेरी बात सुनो, हर एक गलत काम के पीछे कारण होता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, सिर्फ इतना कहो क्या तुम एक मुजरिम हो या नहीं? देखो मैं नहीं, मुजरिम हो या नहीं? मैं मुजरिम हो या नहीं? हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ। जुल्म के काले दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा हूँ मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो और मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता। कोई तबायफ अपनी खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने में मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से जिंदगी में मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, एक सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। भी सोचा ना था कि अपने बेवफा निकलेंगे। तुमने मुझे धोखा दिया। धोखेबाज तो तुम निकले जिस दिन तुमने गलत कामों की तरफ अपना पहला कदम लिया। मैं सोचता था तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार तो मैं तुमसे अब भी करती हूँ, लेकिन सही और गलत के बीच में हार हमेशा प्यार की होती है, और आज हमारा प्यार हार गया। मुझे माफ कर दो। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता क्या बात है यार, फील क्रू। सबसे पहले धर्मेश भाई, फील क्रू हर बार आने के टाइम पे ये तो दिमाग में आता है कि अब क्या होगा नया, पर आप लोग हर बार नया करते हो। एंड डायलॉग भी ऐसे है कि ऊपर नीचे, कभी भी फास्ट बोलना शुरू हो जाता है, कभी भी स्लो बोलना शुरू हो जाता है। दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। एंड आप उस पे डांस करते हो, ये बहुत बड़ी बात है यार। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई कॉमेडी एक्ट को लेके करे, जैसे आप लोग शॉट मारने वाला, देन डिडिन डिडिन, आप यही बीट पकड़ के इमोशनल एक्ट, इमोशनल म्यूजिक पकड़ के आप करते हो। कॉमेडी के भी बहुत सारे साउंड है, टैंग टूंग बहुत सारे हैं। मैं चाहूँगा कि यार नेक्स्ट ऐसा कुछ आप वही थोड़ा जोन चेंज करें। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फील क्रू, यस सर। कॉम्पिटिशन तो शुरू हो गया है भाई आप लोगों में नहीं, लेकिन कैप्टन में तो शुरू हो गया। लेकिन फील क्रू के बाद में ये कहूंगा कि यार क्रिएटिव लेवल पे जो आप लोगों ने झंडे गाड़े हैं, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, कोरियोग्राफी आप लोग अमेजिंग करते हो। मतलब आज भी जो कोरियोग्राफी किया आपने, छुप जाना, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, चोर का थप्पड़ मारना, एक साथ सब बाहर निकलना, वक्त और हालात, मतलब कोरियोग्राफी तो आप लोग की नेक्स्ट लेवल होती है। सो वही चीज को आप जोन चेंज करो। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू कैप्टन पुनीत एंड पुनीत टीम एंड फील क्रू। फील क्रू
अगर टीम पुनीत है तो राइट एंड लेफ्ट हाथ मेरे आंचल सूजन है, जिन पैरों पे टीम पुनीत खड़ा है वो चेतन है, और दिल और दिमाग फील है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि सडनली फील क्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना इन्वॉल्व हो इसके लिए। पर फॉर श्योर अगर आप सबको लगता है नेक्स्ट टाइम हम लोग को दूसरा इमोशन लेके आएंगे। श्योर सर। सर जब भी हम लोग को पुनीत सर ने ये स्वर्ग मूवी का ये सीन दिया और बोला कि इस पर आप ट्राई करो ये टाइम, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे और बहुत डर भी गए थे क्योंकि सर आपके सामने परफॉर्म करना था। लाइक हमें फील क्रू फील नाम दिया जाता है पर एक्चुअल फील के किंग तो आप हो सर। प्लीज़ चाहते हैं कि सर आप एक बार ये एक्ट कर दो हम लोग के सामने लाइव। चोर हूं, मुजरिम हूं, कातिल हूं, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ के अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानना चाहती हूं मैं चोर क्यों बना, किसने बना, किसने बनाया मुझे? गोविंदा सर इतने पास से आज देख के ना मैं रोंगटे खड़े हो गए सर। गोविंदा सर जैसे फुल पैकेज एक्टर आज तक ना आया है और ना आएगा सर। आप सर आप इनको कितने स्कोर देना चाहेंगे सर? आपकी परफॉर्मेंस के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं, because you're worth it. Made it love, made it moves, it did not start. बहुत सालों पहले की बात है, इस बस्ती में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसने अपनी प्रजा के साथ मिलकर इतिहास बदल दिया। गली गली तेरी लाज चली, जियो रे बाहुबली। समय हर इंसान को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण आज और अभी।
सर आप बताओ या फिर आप बताओ कौन बोलेगा पहले? वी अनबीटेबल, आप लोगों ने कुछ बोलने लायक छोड़ा है हमको कि हम कुछ बोले, क्योंकि इस एक्ट के बाद सबकी बोलती बंद हो गई। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सर, सो मच सर। शक्ति सर क्या बोले सर, बहुत गुस्सा आ रहा है सर, है ना सर? वो ऐसे वो झूला ऊपर देख के ही डर लग रहा है, उसके ऊपर से वो बच्चा कूद रहा है, ऐसे हर बार ऐसे बैठना पूरे एक्ट में, एवरी टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, सो रिस्की, आसान नहीं होता सर। मैं क्या मतलब ऐसे शब्द नहीं निकल रहे, तो आज मैं क्या बात है, फर्स्ट टाइम किया है शक्ति ने, मुझे उठा लो भगवान। सर मैं बड़ौदा में था तो वहां पर मैं देख रहा हूँ, एक आदमी रुक गया, कोई गेस्ट आया थे वो रुक गए, उन्होंने बोला सब लोग हट जाओ वी अनबीटेबल्स के परफॉर्मेंस देखने के लिए, और सब ऐसे ही देख रहे थे। यार ये सब चीज़ें ऑडियंस की बॉडी में लाना बहुत मुश्किल है यार, कि वो अपना काम छोड़ के आपका परफॉर्मेंस देखे, ये बहुत बड़ी बात है एंड बहुत प्राउड फील होता है कि आप मेरी टीम में। थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ तो बोलना तो चाहता हूँ क्योंकि ये आखिरी मौका है, मैं बोल नहीं पाऊँगा सर। इस ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको लोग नहीं पहचानते, 35 जन हैं बट नाम से कोई नहीं जानता है सर। जब भी मेरे साथ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था एक्ट के टाइम पे, रिहर्सल के टाइम पे, और वो आज नहीं है हमारे साथ, उसकी डेथ हो गई, और हमारी मेरी ग्रुप पूरी बिखर चुकी थी, टूट गया था और मैं अकेला हो गया था। सर ये लड़का भी मेरे साथ था, अन्ना, आरिफ, देवांश, ये भी डर चुका था क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ। ऑफ कोर्स इनके मम्मी पापा इनको नहीं आने देंगे, और मैं यहाँ पे अकेला था, मेरे मम्मी पापा नहीं थे, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं था मुझे बोलने वाला डांटने वाला। सर ये सब कुछ होने के बाद विकास के मम्मी पापा ने मुझे जो हिम्मत दी थी उस टाइम पे, अन्ना वापस आया और ये बोला कि हम वापस ग्रुप फॉर्म करेंगे और उस भाई का सपना पूरा करेंगे। उसके बाद सूरज, अनुष, आकाश, ये सारे बच्चे मुझे मिले, अन्ना ने इन लोग को लेके आया। पर्वत रोके चीरे घाटी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर की कंडीशन बहुत खराब है, इसमें सूरज है एक, उसके पापा रोड पे कपड़े बेचते हैं, वो डांस के लिए सुबह 5 बजे उठता है, अपने एरिया में हर एक बिल्डिंग में पेपर बांटता है क्योंकि उसे डांस करना है, अगर वो घर पे पैसे नहीं देगा तो उसके पापा उसको डांस नहीं करने देंगे। डांस प्लस की तैयारी हमारी चल रही थी तो मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला स्वप्निल, मैं उसे स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। ये लड़का मेरे साथ दिन रात मेहनत करता है, कभी भी किसी को कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो स्वप्निल पहले उनका पूरा करता है, मेरे तक वो बातें नहीं आने देता है कि ओपी को पता चले मैं हूँ ना, और ये मौका मुझे अब वापस मिलेगा नहीं ये बात बोलने के लिए, मुझे वापस मेरा विकास मिल चुका है, और एक तो विकास है और विकास का साया है जो हम आज फाइनलिस्ट बन चुके हैं। सो मैं अपने सारे बॉयज के लिए थैंक यू, बच्चों मैं आप लोग के लिए प्रे करूंगा। सर अगर आज ये नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ओपी डोंट वरी, जो कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो अब थे हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद आप लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। यस सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग सर, स्कोर्स।